टेराकोटा शब्द का मीनिंग है बेक्ड अर्थ। इटालियन वोकेबुलरी में टेरा का मतलब है अर्थ और कोटा का मतलब है बेक्ड। इसीलिए जब मिट्टी से हम कुछ बनाते हैं और उसे बेक करते हैं तो उसे टेराकोटा कह सकते हैं। अब आप कहेंगे फिर पोटरी और टेराकोटा में क्या डिफरेंस है? मैं हूं ना, मैं बताती हूँ। जब पोटर्स व्हील का यूज करके क्ले की कुछ आइटम बनाते हैं तो उसे पोटरी या अर्दन वेयर कह सकते हैं। पर जब स्कल्पचर्स और फिगरिंग्स या ज्वेलरी बनाई जाती है क्ले से जिसमें पोटर्स व्हील नहीं यूज होता, तब हम उसे टेराकोटा कहते हैं। वैसे ये मिट्टी के रेडिश ब्राउन कलर को भी टेराकोटा रिफर किया जा सकता है। तो आप अगर कुछ ऐसा सुनो कि उसने कितना मस्त टेराकोटा कलर का कुर्ता पहना था, तो तुरंत समझ जाना कि रेडिश ब्राउन कलर के कुर्ते की बात हो रही थी, या ये पेंडेंट के कलर को ही याद कर लेना। और हाँ, ये चॉकलेट नहीं मिट्टी है। अब जल्दी से कमेंट में बता दो ये डिजाइन कैसी लगी।